हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बस मैं नहाकर आई हूँ, अभी तो 6 बज गए हैं। आज हम 4 बजे के उठे हुए हैं क्योंकि बेटे का एग्जाम है, बहू का भी एग्जाम है, वो बिहार में है और बेटा उठ गया था जल्दी पढ़ने के लिए। तो एक बार तो हमने चाय पी ली और अब वो वापस जब जाएगा तब एक बार और चाय बनाऊंगी। तो बस अभी लग रही हूँ मैं काम में, फिर बताती हूँ आपको। विश कीजिए कि मेरे बेटे और बहू का पेपर अच्छा हो जाए और उनकी सर्विस लग जाए। तो आप लोगों की विश बहुत काम आएगी। दुआ कीजिए आप लोग कि उनका पेपर अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, अब बेटा मेरा गया है एग्जाम देने और मैं ऐसे ही हो रही हूँ। मेरे लिए बड़ा टेंशन हो रहा है कि कैसा होगा बेटा बहू का पेपर। तो सांस फूल रही है। अब 10 मिनट हुए उसको गए, अब सफाई करूंगी कहते हैं, जाते ही सफाई नहीं करनी चाहिए। तो अब वो गया है, जाने के 10 मिनट हो गए हैं, उसको जाने के बाद 10 क्या 15 मिनट हो गए। अब मैं सफाई करूंगी और बाकी के काम करूंगी, बस फिर देखते हैं वीडियो में क्या बनता है आज। तो एक बार मैंने पूजा की भगवान से, अच्छी खूब प्रार्थना की कि बच्चों का पेपर अच्छा हो जाए, क्योंकि आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है पेपर की वजह से। और एक और आपके लिए सरप्राइज है, वो लास्ट में जाके पता लगेगा आपको, पूरी वीडियो देख लें कि मैंने आज इतनी सफाई वगैरह क्यों की है, कल से क्यों मैं सफाई में लग रही हूँ। अब मैं खाना बनाऊंगी, बनाऊंगी तो हल्के दाल चावल और सब्जी, रोटी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी और दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि हल्की फुल्की कह गया है वो खाने के लिए कि हल्का फुल्का बना लेना मम्मी। और आज ही सफाई कर दूंगी कल के लिए, कल राखी है तो आज ही सारी बेड शीट वगैरह बदल दूंगी। तो दाल चावल बनेंगे इतने, मेरी सब्जी चाहिए, बेड शीट वगैरह बदल दूंगी, तो इसलिए मैं दाल चावल बनाती हूँ कि इसमें मेरा काम हो जाता है दूसरा भी। तो अभी बना रही हूँ दाल चावल। बहू पीहर में है, कल राखी करके आ जाएगी। आज निधि कालरा ने विश किया था दोनों को, बेटे और बहू को, तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना ध्यान रखा कि आज उनका एग्जाम है। तो उसके लिए निधि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो पीहर से ही जाएगी बहू, बेटा ले गया होगा पीहर से, उसकी बहन भी आई हुई है, एक ही जगह सेंटर आया है, तो तीनों एक साथ चले जाएंगे। ये देखिए सब मैंने सेट कर दिए हैं, अभी सब बदल दिए हैं बेड शीट वगैरह। ये रूम तो मैंने कल ही साफ कर दिया था, तो कल राखी में और इसका बेड शीट दूसरा बदल दूंगी, और अभी तो ये साफ है। और ड्राइंग रूम भी दिखाती हूँ आपको।
तो दोस्तों ये सरप्राइज था, मेरी बेटी और दामाद दोहती आने वाले थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और 2 दिन से सफाई में लगी थी। ये लोग आ चुके हैं और रात के 10 बज चुके हैं। दोहती खेल रही है मामा नाना के साथ और बेटी दामाद बैठे हैं। ये देखिए दामाद जी बैठे हैं उस कमरे में। और ये सरप्राइज था आपके लिए आज का।